दोस्तों, पेगासस एक सफेद पंखों वाला घोड़ा है जो कि दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग है, जिसका जिक्र ग्रीक मैथोलॉजी में अक्सर किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके रंग की बात की जाए तो ये पूरी तरह से दिखने में सफ़ेद वाइट है और बेहद खूबसूरत भी है, और ये ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल्स में से एक है। दोस्तों, पेगासस को बेलरोफोन नामक योद्धा ने एथीना और पोसाइडन की मदद से एक फव्वारे यानी फाउंटेन के पास पकड़ा था, जो कि पेरिन नाम की जगह के पास था। दोस्तों, पेगासस के बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छे दिल वाला यानी काइंड हार्टेड घोड़ा था, जो कि मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी वजह से पेगासस ने बेलरोफोन नामक योद्धा को अपनी सवारी करने दी थी, एक चिमेरा नाम की राक्षसी को हराने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही पेगासस ने काफ़ी सारे काम किए। उस राक्षसी को हराने के बाद बेलरोफोन नामक योद्धा पेगासस के साथ माउंट ओलंपिया जाने लगा, लेकिन बेलरोफोन पेगासस की सवारी करते समय पेगासस की पीठ से गिर गया, जिस वजह से ग्रीक गॉड ज्यूस ने पेगासस को एपिजेनल नक्षत्र यानी स्टार्स में बदल दिया। दोस्तों, पेगासस को पोसाइडन और मेड्यूसा की संतान भी कहा जाता है। जब पर्सियस ने मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर दिया था, तब उस मेड्यूसा के ब्लड से इस पेगासस का जन्म हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि पेगासस के अंदर पोसाइडन द्वारा दी हुई कुछ शक्तियाँ भी हैं, कुछ पावर्स भी हैं, जैसे कि जब कभी भी पेगासस अपने पैरों को धरती पर मारेगा तो वहाँ से पानी का फव्वारा यानी फाउंटेन निकलने लगेगा। और ये भी कहते हैं कि एक काफ़ी ऊंचाइयों तक उड़ भी सकता है और साथ ही साथ पानी पर भी दौड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं।